नमस्ते, मैं हूँ आपकी दोस्त श्वेता और आपका स्वागत है आपका अपना चैनल श्वेताज दुनिया में। त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है और हम चाहते हैं इस समय खुद के साथ साथ अपने घर को भी सुंदर से सजाना, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है घर को अच्छे से साफ करना। तो चलिए, आज का वीडियो है सफाई अभियान के नाम। मैं इस त्योहार के मौसम के पहले अपने घर को कैसे साफ़ सुथरा करूंगी, वही आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाली हूं, ताकि आपका थोड़ी सी मैं मदद कर पाऊं और आपको थोड़ा सा मोटिवेट भी कर पाऊं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपना मंथली जो क्लीनिंग रूटीन है वही फॉलो कर रही हूँ। इसमें आता है फर्नीचर का डीप क्लीनिंग। बेड के पीछे मेरा जो ये रैक रखा था, मतलब जो बुक रैक बुक सेल्फ था, उसको मैं आज हटा के इस जगह को साफ़ करने वाली हूँ। मंथली मैं एक बार करती हूँ ये जगह को साफ सफाई। अच्छे से जो मकड़ी के जाले हैं उसको साफ़ कर लिया है मैंने, और यहाँ पे अच्छे से मैं वाइप कर लूँगी। फिर देखिए ये जो वुडन इंजीनियरिंग वुड का जो ये बुक सेल्फ है उसको मैं साफ़ करूँगी। इसमें पानी बिल्कुल भी मत लगाइएगा। मैं यहाँ पे जो पुराने वाइप्स है, फेस वाइप्स जो होते हैं, वो उसका डेट एक्सपायर्ड हो गया था, उसी से मैं साफ़ कर रही हूँ। देखिएगा उससे बहुत अच्छे से एक चमक आ जाती है, लगता है जैसे कि आपने पॉलिश करवाया हो। तो इसीलिए मैं ये वाइप्स ही यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ आप कॉलिन से साफ़ कर सकते हैं, उससे भी अच्छे से साफ़ हो जाती है। ऐसे ही जो भी फर्नीचर है, आपको मैं एक फर्नीचर दिखा रही हूँ, आप ऐसे ही वुडन फर्नीचर सारे ऐसे साफ़ कर लीजिए। आ रही है मंथली क्लीनिंग में सोफ़ा को डीप क्लीन करने की। ज़रूरी नहीं है हम सब के पास वैक्यूम क्लीनर हो, तो इसके लिए मैंने एक जुगाड़ किया है। मेरे पास भी वैक्यूम क्लीनर नहीं है, तो इसके लिए मैंने एक ब्रश ले लिया है जिसका ब्रिसल थोड़ा सा सॉफ्ट है, और मैंने दो माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया है। एक थोड़ा सा पुराना है, थोड़ा सा खरखरा जो हो जाता है, और एक अच्छा वाला है सॉफ्ट वाला, और लिया है लिक्विड सॉफ्ट जो डिटर्जेंट आता है वो। अभी पहले मैं जो ब्रश है मेरे पास उससे अच्छे से सोफ़ा को क्लीन कर लूँगी ताकि डस्ट पूरा निकल जाए। मैंने देखा है ये जो ब्रश है मेरे पास, इससे सोफ़ा का जो डस्ट जो कलेक्ट होता है वो अच्छे से साफ़ हो जाती है। उसके बाद मैंने देखिए पानी में वो लिक्विड जो सॉफ्ट डिटर्जेंट है उसको मिला लिया है, और जो थोड़ा सा पुराना वाला माइक्रोफाइबर क्लॉथ था उससे अच्छे से सोफ़े को क्लीन कर लूँगी। ये थोड़ा पुराना है, थोड़ा खरखरा जो हो जाता है, इसीलिए अच्छे से साफ़ हो जाता है। ये जितने भी धूल मिट्टी कलेक्ट करता है ये सोफ़ा महीने भर, इससे अच्छे से साफ़ हो जाती है। आप खुद एक बार करके देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा एक जुगाड़ है। अदरवाइज़ वैक्यूम क्लीनर जिनके पास है उनका तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मंथली एक बार आप कर सकते हैं इजीली। लेकिन इसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप एक बार फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। देखिए कितना डस्ट कलेक्ट हो गया है, यहाँ पे पानी कितना गंदा हो गया है। पता नहीं कैमरे में आपको कितना पता चल रहा है, लेकिन ये ब्लैक सोफ़ा है, डस्ट दिखता है, तो इसीलिए मुझे अच्छे से पता चल रहा है। अभी पानी चेंज करके जो नरम वाला माइक्रोफाइबर क्लॉथ है उससे मैं अच्छे से सोफ़े को एक बार साफ़ कर लूँगी। आपका सोफ़ा एकदम साफ़ हो जाएगी। आप चाहे तो इसमें डेटॉल वगैरह भी मिला सकते हैं, मैंने नहीं मिलाया है। देखिए अभी इसको थोड़ा सूखने के लिए
छोड़ दिया है फ़ैन ऑन करके। अभी जो दूसरा मेरा टू सीटर दो सोफ़ा है उसको भी मैंने सेम प्रोसेस से पहले मैं डस्टिंग कर लूँगी उस ब्रश से, और उसके बाद मैं वही सेम प्रोसेस दोहराऊँगी लिक्विड जो सॉफ्ट डिटर्जेंट पानी में मिला के मैं अच्छे से पहले साफ़ कर लूँगी और फिर पानी चेंज करके उसको अच्छे से और एक बार साफ़ कर लूँगी। बस मेरा सोफ़ा एकदम चमक जाएगा इससे। एक बार ये ट्रिक्स ज़रूर अपनाइएगा जिनके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है। आपको लग रहा होगा ये बहुत ही परेशानी वाली बात है, लेकिन यकीन मानिए ये काम करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट ही लगेगा और आपका सोफ़ा बिल्कुल चमक जाएगी। देखिए मेरा दोनों जो सोफ़ा है, मतलब जो 5 सीटर और 2 2 सीटर जो सोफ़ा है, पूरा मैंने साफ़ कर लिया है और फ़ैन ऑन करके रखा था, सूख भी गया है। अभी मैं इस सोफ़े में जो मैं सोफ़ा थ्रो यूज़ करती हूँ वो भी डाल रही हूँ और कुशन कवर भी मैं लगा दूँगी। बस एक काम मेरा ख़त्म हो गया, अभी चलिए दूसरे काम की तरफ बढ़ते हैं। मंथली क्लीनिंग में अब बारी है मेरे पास जितने भी आर्टिफिशियल फ्लावर है और आर्टिफिशियल प्लांट्स है उसको साफ करने की। इसके लिए मैं आ चुकी हूँ मेरे किचन में और मैंने ले लिया है प्लास्टिक का बड़ा सा टब और उसमें मैंने पानी भर लिया है और थोड़ा सा लिक्विड सॉफ्ट डिटर्जेंट या शैम्पू कुछ भी आप मिला लीजिए और उसको उस पानी में फ्लावर्स को भिगो दिया है मैंने थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। अभी मैं धो के ऐसे खिड़की में रख दूँगी ताकि इसका पानी निकल जाए। किचन में करना मेरे लिए बहुत ही इजी होता है क्योंकि यहाँ पे मैं सुखाने के लिए भी रख सकती हूँ। ऐसे ही सेम प्रोसीड्योर से मेरे पास जितने भी आर्टिफिशियल प्लांट्स था उसको भी मैंने धो लिया है। इसको भी मैं फिर से अच्छे से पानी में धो लूँगी और यहाँ पे खिड़की में ही रख दूँगी ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। 2 घंटा रखने से ही अच्छे से सूख जाता है और फिर मैं इसको अपने जगह पे फिर सेट कर दूँगी। नेक्स्ट है मेरी इस मार्बल टेबल की बारी। ये कैसा एक ब्लैक स्पॉट आ गया था धूल की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, देखिए ब्लैक हो गया था। तो इसको मैं थोड़ा सा हार्पिक मैंने ले लिया है स्कॉच ब्राइट में और अच्छे से घिस के मैंने साफ़ कर दिया है। देखिए कितना साफ़ हो गया है और अभी एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ को गीला करके फिर मैंने साफ़ कर लिया है। देखिए कितना चमक गया है ये भी मंथली में एक बार कर देती हूँ। तो आज मैं जितना भी साफ़ सफाई किया है मंथली क्लीनिंग रूटीन में वो सारे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को थोड़ी सी मदद मिली होगी मेरी इस वीडियो से। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो है, मुझे पता है कि आप लोग अपने घर में अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन मेरा ये वीडियो देख के आप थोड़ी सी मोटिवेट फील करें, यही मेरे इस वीडियो का उद्देश्य है। तो चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ परिवार के साथ शेयर कीजिएगा और नए दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और नीचे का बेल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है आपके इस सेहतस दुनिया चैनल पे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आप लोग सब स्वस्थ रहिए, मज़े से रहिए और सेहतस दुनिया देखते रहिए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।
बाय।